हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राजू शर्मा आपका दोस्त। आप सभी को आज़ादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे देश को आज़ाद हुए 78 साल हो चुके हैं। पहले देश के लिए जान देने वाले बहुत थे, आज देश को लूटने वाले बहुत हैं। आज दोस्तों कुछ इसी पे ही है, आज़ादी के ऊपर। कितना बदल चुका है हमारा देश आजादी के बाद, आज उसी पे कुछ सुनाने वाला हूं। चलिए सुनाते हैं आज की कुछ बातें। पहले की आजादी कुछ अलग थी और आज की आजादी कुछ अलग है, उसी पे ही है दोस्तों कुछ। पहले आजादी की लड़ाई थी, सब एक साथ में थे, लेकिन आज भ्रष्टाचार का जमाना है, सब एक दूसरे के दुश्मन हैं। पहले देश के लिए जान देने वाले थे, आज देश को लूटने वाले हैं। पहले एकता थी हम सब में, आज विभंजना है। पहले स्वतंत्रता सेनानी थे, आज सिर्फ नाम के सेनानी हैं। पहले देश के लिए जान देने वाले थे, आज देश को बेचने वाले हैं। पहले सब हम एक साथ में थे, आज एक दूसरे के दुश्मन हो चुके हैं। यह है दोस्तों आज़ादी। पहले की आज़ादी में बहुत फर्क था, सब एक साथ थे, हम एक साथ मिलकर लड़ते थे, लेकिन आज हम बढ़ चुके हैं दोस्तों, बढ़ चुके हैं हम। जात बात में बढ़ चुके हैं दोस्तों, जाति धर्म में बढ़ चुके हैं। वो कहता है मेरा धर्म ऊंचा है, वो कहता है मेरा धर्म ऊंचा है, लेकिन इंसानियत सब भूल चुके हैं। पहले हमें तोड़ने वाला कोई नहीं था, लेकिन आज सब अलग अलग हो चुके हैं। पहले एकता की हमारी मिसाल हुआ करती थी आजादी की, आज तो एक दूसरे को नीचे दिखाने में लग चुके हैं दोस्तों। पहले हम सब मिलके लड़ते थे, पहले की आजादी बहुत अलग थी दोस्तों। आज सब कुछ बदल चुका है, आज सिर्फ नाम की आजादी है। आजादी आज भी चाहिए हमें। अब वक्त आ चुका है दोस्तों कुछ बदलने का, साथ मिलकर काम करने का। अगर यूं ही हम जात वात में बटे रहेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हमारा देश पीछे रह जाएगा। इसलिए दोस्तों सबको मिलकर काम करना होगा और सबको मिलकर लड़ना होगा। आज देश को लूटने वाले बहुत हैं, लेकिन देश पर मर मिटने वाले बहुत कम हैं। दुनिया बदल चुकी है दोस्तों, आज़ादी के मायने भी बदल चुके हैं। बहुत लोगों ने हमारे लिए बलिदान दिया है इस आज़ादी के लिए, हम उनके बलिदान को ऐसे ही जाने नहीं देंगे। किसी न किसी को कदम तो उठाना होगा इस देश के लिए। अब दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस देश के लिए लड़ना है, देश के लिए काम करना है। अगर साथ में होगे तभी देश के लिए कुछ कर पाओगे। इस जात बिरादरी से निकल के स्वस्थ विचारों की गंगा जो बहती थी पहले, आज भी उसी स्वस्थ विचारों की गंगा को आगे बढ़ाना है दोस्तों। आशा करता हूँ आप सबको अच्छी लगी होगी ये मेरी बातें। कमेंट लाइक करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।